everyone, good morning. This is Ahead Academy. I'm Dr. Yashmi Jaiswal. Today we'll be doing oral surgery class and the topic for today is impaction. Crestal is an incision. अब इंसिजन ऑफ लैप का क्या डिफरेंस है? जब हम क्रेस्टल में चलाते हैं तो आप दांत निकाल लेते हो, है ना? क्रेस्टल में चलाते हैं, इंसिजन देते हैं एक दांत के अराउंड, उसको हम क्रेस्टल बोलते हैं। तो फ्लैप कहाँ हुआ? अगर उसी क्रेस्टल को मल्टीपल टूथ पे दे देते हैं तब वो कौन सा फ्लैप बन जाता है? अगर बहुत सारे दांत पे क्रेविक्स पे चलाते जाएंगे तो क्रेविकुलर फ्लैप का क्या नाम होगा? क्रेविकुलर फ्लैप को भी पढ़ा है बुक में, लिखा था क्रेविकुलर इंसिजन लिखा रहता है, एनवलप फ्लैप। सो द फ्लैप इज नेम्ड एज एनवलप फ्लैप। क्रेस्टल इंसिजन होता है, कभी भी क्रेस्टल फ्लैप नहीं होता। वर्ड नहीं यूज करते फ्लैप, हम उसको इंसिजन ही कहते हैं। वैसे ही क्रेविकुलर को हम इंसिजन कहते हैं, जब आप मल्टीपल टूथ पे दे देंगे तो उसको एनवलप फ्लैप बोलेंगे। सो एनवलप फ्लैप इज अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल क्रेविकुलर फ्लैप्स। और क्या फ्लैप पड़ा? ट्रायंगुलर फ्लैप में क्या होता है? ये जो बेसिक फ्लैप आपको बता रहे हैं ना, एनवलप फ्लैप, ट्रायंगुलर फ्लैप, ट्रेपेजॉइडल फ्लैप, ये आपको हर डिपार्टमेंट में चाहिए, नॉट ओनली ओरल सर्जरी। आप पेरियो करोगे तब चाहिए, आपको एंडो में चाहिए, एपिसेक्मी करनी है तब चाहिए, है ना? सो एवरी डिपार्टमेंट नीड्स दिस फ्लैप एंड दीज आर दी बेसिक यू नो डेंटिस्ट्री फ्लैप। आपको एनवलप फ्लैप और ट्रायंगुलर ट्रेपेजॉइडल फ्लैप लगाना आना ही आना चाहिए, क्योंकि अगर दांत टूट गया और आप नहीं निकाल सकते तो आप फ्लैप देंगे। तो सबसे पहले आप एनवलप फ्लैप देंगे, उससे भी आपको विजिबिलिटी नहीं होती है तो यू विल टर्न द एनवलप फ्लैप इनटू अ ट्रायंगुलर फ्लैप। नाउ अगेन इफ यू डोंट हैव द विजिबिलिटी यू विल चेंज द ट्रायंगुलर फ्लैप इनटू अ ट्रेपेजॉइडल फ्लैप। सो द एडवांटेज ऑफ द बिगर फ्लैप इज दैट इट कैन बी मॉडिफाइड बाय अ स्मॉलर फ्लैप। सो दिस इज वेरी गुड ना, आपने एनवलप फ्लैप दिया, आपको नहीं दिख रहा है तो आपने एक रिलीजिंग इंसिजन दिया।